हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज आपके लिए आई है भोग के लिए बनने वाले चने की रेसिपी। जी हाँ, ये डिवाइन चनों का प्रसाद हम बनाते हैं अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन में और माता जी को जिवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मसाले वाले चने बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के काले वाले चने। मैंने काले चने को लेकर और रात भर के लिए अच्छे से भिगो दिया है। तो आप देख रहे हैं कि चने हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने एक कप चने लिए हैं, तो एक कप चने भिगोने के बाद दो कप हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने चनों को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चनों को मसाला लगाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि मैंने ली है थोड़ी सी दही। दही लगभग 4 टेबल स्पून है, और इसमें अब हम अपने मसाले को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार, साथ ही धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इसके अलावा इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को मिलाने के बाद हम दही में अच्छे से फेंट लेंगे। अभी हमने यहाँ पर अपना ये दही का पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे हम साइड रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अभी यहाँ पर दोस्तों, चने बनाने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में डाला है सरसों का तेल, आप चाहें तो कोई दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस को ऑन कर दिया है, तेल को अच्छे से पहले गर्म करेंगे। और एक बात मैं और बता दूँगा आपको कि यहाँ पर चने को हम बॉयल करके नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं कच्चे चने को तड़का लगाकर। और बहुत ही टेस्टी चने बनेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अष्टमी नवमी का दिन होता है, घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पर हमें चाहिए एक ऐसी क्विक रेसिपी जिससे कि हम फटाफट से अपने कन्या जी माने के लिए, माता जी को भोग लगाने के लिए चने बना सकें। तो चलिए, अभी हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, और सबसे पहले अब हम लगाएंगे इसमें जीरे का तड़का। जीरे को अच्छे से तड़काएं, और जीरे के साथ मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ी सी हींग। और अब इस टाइम पर हम डालेंगे अपने दही और मसाले का पेस्ट, और दही वाले बर्तन को भी वॉश करके जो पानी है वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करते हैं तड़के के साथ। और अब इस टाइम पर इस मसाले को हम ढककर सिम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि ये हल्के से ड्राई ना होने लगे। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दही वाले मसाले से तेल काफ़ी अच्छे से ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब मसाले का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। इसके बाद से यहीं पर हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी गरम मसाले का पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून चने का मसाला। जी हाँ, चना मसाला पाउडर मार्केट में आसानी से आता है, या फिर आप छोले मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चने मसाले का पाउडर नहीं है तो। और इन दोनों मसाले को मिलाकर हम वापस से एक बार थोड़ा सा फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। और अब दोनों मसालों को वापस से फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपने भिगोए हुए चने। चनों के साथ ही साथ इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के अमचूर का पाउडर। और दही अगर आपने ज़्यादा खट्टी ली है तो आप अमचूर का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दही एकदम फ्रेश ली थी। तो अभी जो है चनों के साथ हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे, और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम चनों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि इसे ऐसे खुले में ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। तो अब यहाँ पर हमने चनों को 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई किया है, और चने हमारे बिल्कुल भी अभी ड्राई नहीं हुए हैं। पर इसी टाइम पर हम यहाँ पर लगभग 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी में थोड़ा डाल रही हूँ, जितने की हमें कुकर का प्रेशर लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और चने हमारे जलेंगे नहीं। और अब जो है यहाँ पर जाएगी कसूरी मेथी लगभग 2 टीस्पून। कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स करूँगी, फ्लेम को हम हाई करेंगे। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद फ्रेंड्स ध्यान रखें कि कुकर की सीटी जैसे ही 1 आती है उसके बाद हम इसे सिम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए, जी हाँ फुल 15 मिनट के लिए हम इसे एकदम सिम फ्लेम पर पकाएंगे, यानी कि चनों को पकाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चने हमारे बनकर कैसे तैयार हुए हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे प्रेशर कुकर का
सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हैं चने हमारे कितने टेस्टी बने हैं, एकदम टेम्पटिंग बने हैं चने। चलिए इसे हम चलाकर भी चेक कर लेते हैं और आप देख रहे हैं चने बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल भी इसमें ग्रेवी नहीं है, कोई पानी नहीं है। चलिए इसे मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने चने को सर्व कर लिया है। चने हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग बने हैं। इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरी धनिया की पत्तियों से। और दोस्तों चने हमारे बनकर बढ़िया से भोग के लिए ये प्रसाद बनकर तैयार है। दोस्तों चने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।